हे गाइस, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वर्ड स्टार एपिसोड 87 को। सो विथ अ क्विक रिकैप, लेट्स वॉच दिस पार्ट। तो अब तक हमने देखा लुओ फैंग गोल्डन बिस की बॉडी पे कंट्रोल ले चुका था, साथ ही गोल्डन बिस की सारी मेमोरीज लुओ फैंग में ट्रांसफर हो चुकी थी। बवाता उन्हें इन्फॉर्मेशन में फिल्टर करके बताती है की एब्सोल्यूट स्पेस और ड्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों स्पेशल टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। एब्सोल्यूट स्पेस से लुओ फैंग का स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही इंक्रीज होता, पर ड्यूटी ऑफ द वर्ल्ड से लुओ फैंग का बॉडी साइज चेंज हो सकता है, वो अपने बॉडी को इनलार्ज या फिर स्मॉल कर सकता है। दूसरी तरफ गोल्डन बिस के मरने के बाद सारे लोग 12 हीरोज को रिस्पेक्ट देते हैं जो कि पूरे मैनकाइंड के लिए सेक्रीफाइस हो गए, पर अभी भी मास्टर होंग और ली सिन डीप कोमा में थे। इसका फायदा उठाकर एल्डर एटकिन, एल्डर ली और रैंक सभी बड़े पावर हाउसेस को अपने कंट्रोल में ले लिए थे और एल्डर एटकिन HR अलायंस के चेयरमैन भी बन जाते हैं। इधर बवाता लुओ फैंग को बताती है कि इन सब स्पेशल टेक्निक के अलावा तुम्हारे पास 3 हिडन टैलेंट है, लाइक सोलिंग, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और डिवाइडिंग बॉडी। फिर लुओ फैंग बवाता को गोल्डन बीस के इनर वर्ल्ड के बारे में बताता है कि गोल्डन बीस के अंदर एक इनर वर्ल्ड है और इस इनर वर्ल्ड में किसी की बॉडी को डबल किया जा सकता है, पर सबसे पहले उस बॉडी को इनर वर्ल्ड में लाना होगा। ये सुनकर बवाता काफी खुश होती है क्योंकि बवाता लुओ फैंग के लिए हाई ब्लड लाइन वाला बॉडी क्रिएट करना चाहती थी, पर लुओ फैंग अपने ह्यूमन बॉडी को ही चूज करता है। फिर वो स्वेलिंग मेथड से अपनी डेड बॉडी को इनर वर्ल्ड में ले आता है और अचानक ही उसका बॉडी गोल्डन एग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साथ ही बवाता भी इस इनर वर्ल्ड में आ चुकी थी। अब आगे हम देखते लगातार गोल्डन बीस के इनर वर्ल्ड में लुओ फैंग का बॉडी क्लोन हो रहा था और बवाता 136 डेज तक इनर वर्ल्ड में रहती है। वो हर पल लुओ फैंग के क्लोन बॉडी को चेकअप कर रही थी। दूसरी तरफ सुजिन का भाई सुजिन का काफी ज्यादा केयर कर रहा था और जैसे ही उसका डिलीवरी का टाइम आता है वो बंदा सुजिन और उसके बच्चे के लिए प्रे करने लगता है। दूसरी तरफ लुओ फैंग बताता है कि वो अपने पहले वाले बॉडी को जन्म दे सकता है, लेकिन उसे 1 से 2 साल तक वेट करना होगा। और इधर सुजिन के 2 जुड़वे बच्चे होते हैं। आगे लुओ फैंग बताता है कि फिलहाल तो वो सुजिन और अपने फैमिली से नहीं मिल सकता और ना ही अपने बच्चे को ले सकता है, पर वो गारंटी के साथ कहता है कि एक दिन वो अपने ह्यूमन बॉडी में सभी से मिलेगा। और अब लुओ फैंग के क्लोनिंग प्रोसेस को 245 डेज हो चुके थे तभी उस गोल्डन लाइट में क्रैक आती है और इसे गोल्डन लाइट निकलने लगती है। इधर सुजिन लुओ फैंग को मिस कर रही थी, साथ ही वो अपने ट्विन बेबी को प्यार भी करती है। तभी अचानक ही उसके घर का सारा सामान हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देखकर सुजिन घबरा जाती है और वो अपने मॉम डैड को बताने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है सारे लोग नीचे घायल पड़े हैं। वो फौरन ही उनको उठाने जाती है। तभी उसके सामने एल्डर ली आते हैं और बताते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बस बेहोश हो गए हैं और सबको एल्डर एटकिन बेहोश कर रहा था, इवन कि वो सुजिन के भाई को भी बेहोश कर देता है। फिर वो सुजिन से कहता है कि वो एल्डर एटकिन है और आज वो लुओ फैंग के सारे मुया क्रिस्टल को खरीदने आया है। सुजिन कहती है कि वो पहले भी एल्डर यानहाई को इसका जवाब दे चुकी है क्योंकि पहले भी एल्डर यानहाई सुजिन से मुया क्रिस्टल को खरीदने का प्रपोजल सेंड किए थे, पर वो उसे रिजेक्ट कर दी थी। फिर वो एल्डर एटकिन से कहती है कि वो किसी को भी मुया क्रिस्टल सेल करना नहीं चाहती है। तभी वो मेटेलिक रोबोट बाहर आता है, इसे लुओ फैंग अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए छोड़कर गया था। सुजिन बताती है कि वो किसी को भी मुया क्रिस्टल सेल नहीं कर सकती, चाहे वो एल्डर यानहाई हो, चाहे वो एल्डर एटकिन हो या फिर ये स्पिरिचुअल मास्टर हो। एल्डर एटकिन कहता है ऐसा लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर वो रैंक से अटैक करने को कहता है जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर है। रैंक सुजिन से कहता है तुम तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम्हें ऐसे वैल्यूबल ट्रेजर को रखने का कोई हक नहीं है। और वो सुजिन पे स्पिरिचुअल अटैक करता है जिससे सुजिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था, साथ ही वो सारे चीजों को हवा में फ्लोट करने लगता है। और सुजिन से कहता है बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो, तुम इस रोबोट को कमांड देकर शांत करवा लो, वरना मैं बस कुछ ही पल में तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से पूरे घर में स्कैन करने लगता है। तभी उसे 18 मुया क्रिस्टल और काफी सारे रेयर स्पिरिचुअल प्लांट मिलते हैं। ये देखकर रैंक तो काफी खुश होता है और वो सारे ट्रेजर को अपने पास ले आता है और इवन की वो सुजिन के सामने ही एक हिडन बैग को भी बाहर ले आता है। अब लुओ फैंग के सारे ट्रेजर रैंक ले चुका था। ये देखकर एल्डर एटकिन और यानहाई काफी ज्यादा खुश होते हैं। एल्डर यानहाई कहते हैं बेशक तुम वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिरिचुअल मास्टर हो, पर शायद तुम ज्यादा देर तक वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिरिचुअल मास्टर नहीं रहोगे क्योंकि अब लुओ फैंग का 2 बेटा है, शायद वो तुम्हें सरपास कर ले। ये सुनकर रैंक को गुस्सा आता है और वो लुओ फैंग के दोनों बेटे को देखने लगता है। सुजिन कहती है तुम मेरे बच्चे
बच्चे को टच करने की भी हिम्मत मत करना, वरना ये सारी वीडियो वो पूरे वर्ल्ड में पब्लिश कर देगी, क्योंकि ये सब कुछ वो रोबोट रिकॉर्ड कर रहा था। और तुम तीनों को असली चेहरा पूरे पब्लिक के सामने आ जाएगा। फिर वो कहती है तुम इन सारे ट्रेजर को ले जाओ, पर तुम लुओ फैमिली के किसी भी मेंबर को हार्म मत करना। ये सुनकर वो तीनों हैरान होते हैं। एल्डर एटकिन कहता है कि उसे ये डील मंजूर है। फिर वो रैंक से सारे मेंबर को छोड़ने को कहता है। रैंक ऐसा तो नहीं चाहता था, पर उसे मजबूरन सबको छोड़ना पड़ता है। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर रैंक जाते हुए सुजिन पे स्पिरिचुअल अटैक करता है, जिससे सुजिन बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद होश आने पर वो देखती है सारे लोग अभी भी बेहोश पड़े हैं और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। वो फौरन ही उनको शांत करने जाती है, लेकिन वो मेटेलिक रोबोट से टकरा जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके नाक से ब्लड आ रहा था। आगे हम देखते हैं सुजिन हॉस्पिटल में एडमिट थी और सारे लोग इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे। लुओफेंग की मॉम कहती है आखिर ये सब कुछ अचानक ही कैसे हो गया। इधर सुजिन को होश आता है और वो देखती है सारे लोग रो रहे थे और अभी भी उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। वो फौरन ही उसे छुपा लेती है और अपने बच्चे को देखने लगती है। तभी वहाँ लुओफेंग की मॉम आती है और सुजिन से कहती है आज तुम्हारा हेल्थ थोड़ा सही लग रहा है, और वो उसे खाना देती है, लेकिन वह उस ब्लड को देख लेता है। सुजिन कहती है कि अब उसे ठीक लग रहा है और वो सबसे कहती है कि वो उसके बच्चे को बाहर घुमाने ले जाए। हुआ अपने मॉम से कहता है चलिए इनको घुमाने ले जाते हैं, तब तक सुजिन आराम करेगी। फिर वो लुओ हाई को किस करती है। आगे सभी दोनों बच्चे को घुमाने ले जाते हैं और सुजिन लुओफेंग की याद में वेडिंग ड्रेस पहनने लगती है। साथ ही वो इटर्नल लव वाले लॉकेट को भी पहनती है जो कि लुओफेंग एंशिएंट यून से लाया था और वो उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। आगे सुजिन पूरे तैयार होने पर फील करने लगती है कि लुओफेंग उसके सामने ही है, क्योंकि अभी तक इनकी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई है, बस ये ऐसे ही मैरिज किए थे। यू कैन अज्यूम इट लाइक अ लीगल मैरिज। सुजिन लुओफेंग के बारे में सोचते हुए एक इल्यूजन में चली जाती है। वो अपने वेडिंग सेरेमनी के बारे में सोच रही थी, पर तभी अचानक ही उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो इल्यूजन से बाहर आती है तो देखती है उसके साथ लुओफेंग नहीं है। उसके मुंह से ब्लड आने के बाद वो बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते गोल्डन बिस्क इंटरनल वर्ल्ड में, अभी भी उस गोल्डन एग से गोल्डन लाइट बाहर आ रही थी, पर तभी अचानक ही उस एग से लुओफेंग की न्यू बॉडी बाहर आती है। और बबाता लुओफेंग के बॉडी को लगातार देख रही थी कि कितना परसेंट क्लोनिंग कंप्लीट हुआ है। 100% होने के बाद लुओफेंग अपना आँख खोलता है और लुओफेंग का आँख बिल्कुल ही गोल्डन बीस जैसा था, क्योंकि ये गोल्डन बीस से क्लोन हुआ है। ये देखकर बबाता काफी खुश होती है कि लुओफेंग का ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो गया है। फिर वो लुओफेंग से कहती है अब तुम्हें गोल्डन बीस के इनर वर्ल्ड में ही अपने बॉडी में एंटर करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारा क्लोन बॉडी इनर वर्ल्ड से बाहर आएगा और तुम बिल्कुल ही ह्यूमन जैसा एक्टिविटी कर सकते हो। फिर लुओफेंग अपने ह्यूमन बॉडी में चला जाता है और गोल्डन बीस की बॉडी उसके इंटरनल वर्ल्ड में ही रह जाती है। इधर लुओफेंग उठता है तो उसे काफी अजीब लग रहा था, वो बिल्कुल ही अपने पहले वाले बॉडी जैसा फील कर रहा था। और वो बबाता को बताता है कि गोल्डन बीस का कोर अब उसका कोर बन चुका है। जब तक ये कोर सेफ है तब तक लुओफेंग सेफ है, अगर ये कोर डिस्ट्रॉय हुआ तो लुओफेंग भी मर जाएगा और ये कोर इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। बबाता बताती है कि गोल्डन बीस बस एक साल में स्टार लेवल 3 पे पहुंच गया, इसका मतलब है कि इनर वर्ल्ड में काफी सारे मेटेलिक कॉस्मिक एनर्जी है, और क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन बॉडी भी इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो ये तुम्हारे ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। और अभी तुम्हारा ह्यूमन क्लोन बॉडी लेवल 3 प्लैनेट लेवल पे है और ये सब कुछ तुम्हारे स्पेशल एबिलिटीज की वजह से हो पाया है। फिर लुओफेंग मोयून वैन को कमांड देता है और कुछ ही पल में मोयून वैन लुओफेंग से अटैच हो जाती है। फिर लुओफेंग अपने पहले वाले लुक के साथ बाहर आता है, पर बबाता अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंट थी। वो लुओफेंग से कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम किसी हाई ब्लड लाइन वाले बॉडी को चूज करो, पर तुम तो अपने ह्यूमन बॉडी को ही चूज किए, इसका इवोल्यूशन स्पीड बहुत ही स्लो है। फिर वो पूछती है तुम्हारे इनर वर्ल्ड में मेटेलिक कॉस्मिक एनर्जी के अलावा और क्या चीजें हैं। आगे दोनों लिक्विड सिल्वर गार्ड लुओफेंग का वेट कर रहे थे। फिर वो लुओफेंग को स्टोरेज रिंग देता है। लुओफेंग बबाता को रिप्लाई करता है कि इतना लालची मत हो, एटलीस्ट उसका ह्यूमन बॉडी 6 लेवल का प्लैनेट लेवल स्पिरिचुअल मास्टर है। फिर लुओफेंग कहता है इससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपने फैमिली से मिलना है और साथ ही न्यू बॉर्न लुओफेंग से, मतलब कि वो अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक ही बबाता को याद आता है कि सुजिन तो मर गई। वो लुओफेंग को बताती है कि सुजिन तो मर गई। ये सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बबाता से कहता है तुमने क्या कहा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आगे की स्टोरी नोवेल से जाना है तो मैं ऑलरेडी नोवेल की काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों बाद इस चैनल पे सिर्फ नोवेल वीडियोस आएगी, लाइक स्वर्ड स्टार की नोवेल वीडियो। फिलहाल तो नोवेल वीडियो की स्टोरी काफी आगे जा चुकी है और इसका ऑफिशियल एपिसोड मैं अपने सेकंड चैनल आलम स्टोरी टेलर पे पोस्ट करूंगा। सो अगर आपने अभी तक उस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लेना। और साथ ही मुझे आप बता सकते हो कि सोलन 2 का नोवेल वीडियो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.